ये उनकी पैदाइश का दिन कुरान करीम कह रहा है कि बाबरकत है, तो इसमें दो राय नहीं हो सकती। जी, क्रिसमस के हवाले से एक तो बात यह है कि सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 15 और आयत नंबर 33 के अंदर एक बात दो मरतबा फरमाई है कि जब मसीह अलैहिस्सलाम पैदा हुए और जब उनको मौत होगी और जब वो दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे तो वो उस दिन हमने सलामती रखी है। मेरे ख़्याल में ग़लत फहमियाँ बिठाई हुई हैं एक दूसरे की तरफ से, और जिसको दूर करने की ज़रूरत है। क्रिसमस की स्पिरिट ये है कि जीसस जब आए हैं दुनिया के लिए, इसको मुसलमानों को भी खुशखबरी दें, इसको यहूदियों को भी, इसको हिंदुओं को भी, सिखों को भी, इसको सारी अकवाम तक जीसस की पैदाइश की खुशखबरी पहुंचानी, ये स्पिरिट है जी, इसको मनाने की स्पिरिट ये है। तोहफे तहाइफ जमा किए जाते हैं, ये गरीबों के लिए हैं, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जिनकी साल साल भर की फीस रुकी हुई है। आप कोशिश करें कि अपने कपड़े ना बनाएं, किसी बच्चे की फीस हम अदा कर दें, फिर तो जीसस को, क्योंकि जीसस का लिखा है कि वो गांव गांव करिया करिया फिरते रहे, वो गरीबों और बेबसों की मदद करते थे। और जब उन्होंने अदालत के तख्त पर आना है, मत्ती के इंजील 25वां बाब, उसमें भी यही लिखा है, उन्होंने पूछना, मैं गरीब था, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं कैद में था, उन्होंने जो क्वेश्चन करने वो ह्यूमैनिटी से मुतालिक करने, वो आपके दीन से मुतालिक नहीं करने। क्योंकि अगर आप दीन में रास्तबाज हैं, आप नेक हैं, आप प्रस्तिश करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आपकी जिंदगी से ये फल साबित होने चाहिए कि आप गरीबों की, यतीमों की, दुखी और बेबस लोगों की आवाज बने। तो आपको मुबारक हो मसीह अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश।